बात करेंगे कि किस तरीके से एफिलिएट मार्केटिंग और फेसबुक ऐड के थ्रू अपन 1 लाख रुपए कम से कम कैसे कमा सकते हैं, वो भी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग। आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा जिस वीडियो में मैंने आपको ये बताया है कि मैंने कैसे स्ट्रेटेजी बना के मैंने बहुत अच्छी अर्निंग करी थी। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो ट्रैफिक होता है उस ट्रैफिक का अपना क्या यूज होता है, उसको कैसे यूज करते हैं। तो बहुत सारे जो लोग गलती करते हैं उस बारे में बताऊंगा और क्या स्ट्रेटेजी होती है और किस तरीके से आपको भी करना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बात करता हूँ, बहुत से लोग क्या करते हैं कि अपना एक फेसबुक ऐड चलाते हैं, ठीक है, वहाँ पर वो अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं और उसकी रेट बताते हैं, ठीक है, कि ये इसकी प्राइस है, और उसको सीधा ही क्या करते हैं अपने लैंडिंग पेज पे भेज देते हैं और उनको बोलते हैं कि आप इसको सेल करें, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिससे सीधा ही कोई इस पे जाएगा तो कोई भी लोग इसको नहीं खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि ये अभी क्या है, कोल्ड ऑडियंस है, ठीक है। कोल्ड ऑडियंस का मतलब अभी आपको फर्स्ट टाइम आपको देखा है, आपको वो जानते भी नहीं है और आप उनको क्या कर रहे हो, सेल आउट करने की कोशिश कर रहे हो फर्स्ट डे में। आप खुद सोचिए कि कभी आप अनजान व्यक्ति से एकदम से कोई चीज़ खरीदते हैं, नहीं खरीदते, आप उसको जानने लग जाओ उसके बाद में आप कोई चीज़ खरीदते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, क्योंकि ट्रैफिक कहाँ से आएगा, आपका ट्रैफिक फेसबुक ऐड से आएगा। फिर जब आपके पास ट्रैफिक आ सकता है तो उसको यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं, तो उसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। आपको करना क्या है, आपको सिर्फ इतना करना है कि आपने फेसबुक ऐड चलाया, ठीक है, आपने फेसबुक ऐड चलाया, वहां पर आपने कुछ वीडियोस कुछ अपने बारे में बताया और आपने कुछ फ्री चीज उनको दी कि मैं आपको इतनी ट्रेनिंग आपको मैं दे रहा हूं। आप समझना इस चीज को, जब आप यहां से आप इनको कोई चीज दोगे तो यहां पे आप क्या करोगे, या तो इनका ईमेल एड्रेस वगैरह ले लोगे या फिर आप उनके मैनी चैट पे आप चैटबॉट के थ्रू उन पर क्लिक करा के उनके जो फेसबुक है वो प्रोफाइल आप वहां से आप कैप्चर कर लोगे। अब यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ही आपने यहाँ पर किया तो यहाँ पर आपने ऑटोमेशन लगा दिया जो मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताई थी। तो यहाँ पे क्या होगा कि जितना भी जो ट्रैफिक आ रहा है, क्योंकि ट्रैफिक तो आप फेसबुक से ला सकते हो, ट्रैफिक में तो प्रॉब्लम नहीं है, फेसबुक हुआ गूगल हुआ, बट मैं फेसबुक को ज़्यादा प्रिफ्रेंस देता हूँ मैं। अब आपको क्या करना है कि मान लीजिए यहाँ से आपने ट्रैफिक भेज दिया और यहाँ पे आपने भेज दिया, अब यहाँ से आपने ऑटोमेशन पे 1 2 3 4 5 6 जितने भी सीक्वेंस बनाने, सीक्वेंस बना के आप यहाँ पे इन लोगों को बता सकते हैं। अब यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ कोल्ड ऑडियंस आई, ठीक है, लोग फर्स्ट टाइम इनको देख रहे हैं, ठीक है। अब जैसे ही एक बार भी आ गया, आपका पैसा लग गया, मान लीजिए आपके पास एक छोटा सा देता हूँ 1500 ऑडियंस आई, आपके 2500 रुपये लग गए, समझना बात, 1500 ऑडियंस आ गई यहाँ पे, आई तो ज़्यादा लेकिन आपने मान ली 1500 ऑडियंस इनका आपने या तो ईमेल ले लिया या फिर आपने क्या ले लिया, मैनी चैट में कहीं से आपने ले लिया, तो आपने क्या इकट्ठे किया 1500 रुपये। अब इस 1500 रुपये के लिए आपको बार बार फेसबुक ऐड पैसा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब इन 1500 रुपये के पास में जैसे आप ईमेल वगैरह भरो ये फिल करेंगे तो आपने क्या कर रखा है, एक जगह सीक्वेंस बना रखा है कि फर्स्ट डे ये जाएगा मेल, सेकेंड डे ये जाएगा मेल, ये वीडियोज जाएगा, थर्ड डे, फोर्थ डे, फाइव डे। अब यहाँ पे क्या होगा कि जैसे जस्ट फर्स्ट टाइम आपने किसी को देखा है तो आपको यहाँ पर जाने का, फिर सेकंड डे ऑटोमेटिक उसके पास सामने जाएगा, फिर वो आपको अच्छे से जानेगा, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे आपको जानने लग जाएगा, और इसमें आप उनको क्या दे, ऐसी वैल्यू जिनके उनके लाइफ में इंपैक्ट पड़े। अब ऐसे मान लीजिए इन 1500 लोगों में से आपके 2500 लोग हैं और फिफ्थ और सिक्स पे आपने उनको क्या किया, उनको अपनी कोई चीज़ ऐसी बताई जहाँ से उनको अच्छी इनकम हो सके, उनको अच्छी वैल्यू मिल सके। तो मान लीजिए इन 1500 लोगों में से यहाँ तक लोगों ने देखा, समझना है सुनो, और आपका कोई भी प्रोडक्ट है या ऐसा एक एफिलेट एक प्रोडक्ट है जहाँ जिसमें आपको 50-60% या 70% आपको कमीशन मिलता होगा JVZoo का या क्लिक बैंक का, तो मान के चल रहे कि आपका कोई $100 का एक प्रोडक्ट है, उस पर आपके मान के चलिए 60 से 70% आपको कमीशन मिल रहा है,
ठीक है, 50 से लेकर 70% मान मान लीजिए इंडियन रुपीज में आपको 3,000 रुपये तक का आपको कमीशन मिल रहा है एक प्रोडक्ट के ऊपर। ठीक है, कहीं 1,000 रुपये मिलेगा, कभी 500 रुपये मिलेगा, किसी में कम मिलेगा, किसी में आपको ज़्यादा मिलेगा। तो इन 1500 लोगों को आपने इस चीज़ की वैल्यू दी और आपने ये बताया कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, चाहे जिम का प्रोडक्ट हो, चाहे आपका कोई सॉफ्टवेयर हो, चाहे कोई प्रोडक्ट हो, चाहे कोई कोर्स हो, कुछ भी हो। इन 1500 लोगों को आप बार बार में जब वैल्यू देने लग जाओगे तो इन 1500 लोगों में डेफिनेटली आप ये मान के चले कि इनमें से आप 2% भी मान के चले, 1500 लोगों में से 2% भी मान के चले, 10% मान, 150, 200 मान, 30 लोग आपका एट ए टाइम आपका ये चीज़ खरीद लेंगे। ये बहुत ही कम बता रहा हूँ मैं, सिर्फ 2%। ठीक है, जब 1500 लोगों में 30 लोग भी खरीद लेंगे, एक प्रोडक्ट 3,000 रुपये का भी है, तो ये हो गया आपका 90,000 रुपये। आई थी समझ में? इसके अलावा भी आपने कितने लोगों को दिया? सिर्फ 30 लोगों को। तो अब आपके पास 1470 तो अभी भी है, 1470 तो अभी भी। आपने पैसा कहाँ लगाया? एक बार यहाँ पे लगाया फेसबुक एड के बाद। ठीक है, बाद में उनको क्या दे रहे हो? वैल्यू दे रहे हो। तो कहने का मतलब ये है कि जो फेसबुक आप एडवर्टाइज करते हो उसको सीधा ही अपना वहाँ पे सेल पेज पर नहीं ले जाके, उनको एक जगह इकट्ठा करें और ये जो आपकी जो 1500 लोग जो आए हैं इसको आप इंक्रीज करते जाएं। जितना इंक्रीज होगा आपका उतना ही इनकम जनरेट होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आई कि आपको क्या करना है? आप हमेशा ध्यान रखिए, एक लाख रुपए की अर्निंग के लिए बहुत ही सिंपल मेथड है, बस आपको यहाँ पर सीक्वेंस आपको बनाना पड़ेगा, यहाँ पर आपको लैंडिंग पेज बनाने की जरूरत होगी और यहाँ पर आपको ऐड बनाने की जरूरत होगी और यहाँ पर आपको सिर्फ वैल्यू देनी है। और आपको मन से आपको ये होना चाहिए कि जिसको भी मैं ये दूँ, जो भी मैं प्रोडक्ट देना चाहूँ, वो प्रोडक्ट अगले को बहुत काम में आए। और इनमें जो आप फ्री जो वैल्यू दे रहे हो इनमें भी इतनी वैल्यू होनी चाहिए कि बंदा जो भी आपके सामने आए, जो आपके स्टूडेंट हो, जो भी आपसे कोई चीज़ परचेज करे या नहीं भी करे, और इन सिक्वेंस भी आपके वीडियो से उसको कोई वैल्यू मिले। तो आई बात समझ में? ये सिंपल सा मेथड है। इस सिंपल से मेथड में लोगों ने 1-1 करोड़ रुपए कमाते हैं। अब 1-1 करोड़ रुपए क्यों कमाते हैं? उनको मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। जहाँ पर ये 1500 लोग आते हैं वो ऐड को चालू रखते हैं और अपना स्पेंड को लगाते रहते हैं, और यहाँ से 100 रुपये लगाएंगे तो यहाँ से वो 2,000 रुपये निकाल के जाएंगे। ठीक है, तो ये होती स्ट्रेटेजी। ठीक है, आपको समझ में आई किस तरीके से अपन ने सबसे पहले फेसबुक ऐड पे अपन ट्रैफिक लेके आए, ट्रैफिक से अपन ने उनको अपने एक जगह इकट्ठा किया, उनको वैल्यू दी, वैल्यू देने के बाद में आपने एक जगह अपनी आपका अपना प्रोडक्ट या आपका एफिलिएट जो प्रोडक्ट है वो आप सेल आउट करने के लिए, उनमें से 100% 2% आपकी चीज़ लेंगे क्योंकि वो आप पे ट्रस्ट करने लगे। जैसे आप 2% भी आप यहाँ तक आ जाते हो तो आपके पास कम से कम आप मान के चलो 1,00,000 रुपये तो मंथली आपके ये हो जाएंगे। तो इस वीडियो को मैं यही खत्म करना चाहता हूँ और आप इस चीज़ के बारे में आप सोचिए कि ये चीज़ क्या है। इसको फनल बोलते हैं और बहुत ही ईजी फनल है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे एफिलिएट प्रोडक्ट आपको लेना चाहिए और कैसे किस किस प्रोडक्ट से, छोटे से छोटे प्रोडक्ट से भी आप कैसे अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू।